करता ही निकल जाता है। हमारा स्टेमिना कम है, हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं है, क्या करें इसके लिए और क्या क्या रीज़न होता है आइए जानते हैं। और एक मेडिसिन के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी डॉक्टर सरहाना एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर सरहाना। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल है डॉक्टर सरहाना लाइफ स्टाइल, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को दोस्तों। बेसिकली हम इसको कहते हैं मेडिकल टर्म में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। दोस्तों प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो होती है वो एक तरह की बीमारी होती है, हर किसी को होता है ये, और क्यों होता है हम आज बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों लोग अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जब दिमाग पर काबू नहीं रख पाते हैं तो इशू होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। दो टाइप के लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। नंबर वन, फिज़िकल इशू लाइक डायबिटीज़ हो सकता है, वेलानाइटिस हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकती है। नंबर टू जो है वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक बहुत ज़्यादा सोचना कि मेरा जल्दी हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, परफॉर्मेंस एंजाइटी में चले जाते हैं, स्मॉल पेनिस एंजाइटी में चले जाते हैं कि मेरा यंत्र छोटा है, मेरा टाइमिंग कम है, मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है। स्ट्रेस लेवल का मतलब है कॉर्टिसोल लेवल, जो हार्मोन होता है, जो दुख वाला हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, वो बढ़ जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो दो रीज़न है, दोनों रीज़न मैंने आपको बताया है ना। अब ट्रीटमेंट कैसे करें इसका, क्योंकि ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट करने से पहले हम अपने दिमाग को सही रखना ज़रूरी है हमें। अगर आप माइंड को स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, आपका टाइमिंग कम ही हो जाएगा। माइंड को जो चीज़ आप दोगे वही चीज़ करेगा, आप जिस तरह से आप उसको ट्रेन करोगे अपने माइंड को, उस तरह का वो काम करके देगा, क्योंकि दिमाग से शुरू होता है और ख़त्म भी दिमाग में ही होता है। दोस्तों आइए बात करते हैं, दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर किसी को ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सहसा का हिमालयन शिलाजीत है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा शिलाजीत है, ये 100% आयुर्वेदिक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों, और ये नेचुरल है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसका क्या क्या बेनिफिट है, हमारा परफॉर्मेंस को बेटर करता है ना, साथ ही साथ हमारा स्टेमिना को बढ़ाता है, बूस्ट करता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। स्ट्रेस के कारण भी हमारा क्या होता है, स्टेमिना कम हो जाता है, तो ये स्ट्रेस को भी कम करता है और हमारा स्टेमिना को भी बढ़ाता है। दोस्तों ये 20 ग्राम का है, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों शिलाजीत में है 80 से ज़्यादा आयनिक फॉर्म में मिनरल्स हैं, जिसको जाना जाता है फुल्बिक एसिड के नाम से। दोस्तों इस ऐसा हिमालयन शिलाजीत में 60% प्लस फुल्बिक एसिड मौजूद है दोस्तों, जो कि आपका टाइमिंग को बढ़ाएगा, स्टेमिना को बूस्ट करेगा, आपका इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों इसका जो हाई मिनरल्स कंटेंट होते हैं, इससे हमारा मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है और वाइटिलिटी भी बढ़ता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। और दोस्तों सहसा हिमालयन शिलाजीत सोर्स किया गया है हिमालय की ऊंची चोटियों से, इसको प्योरीफाई किया गया है आयुर्वेदिक शोधना मेथड से, यहाँ पे लैब रिपोर्ट देख सकते हैं आप, और क्या क्या बेनिफिट है क्योंकि जानना ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहला जो बेनिफिट है यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, है ना, आपका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम करता है, आपका कंसंट्रेशन, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, कोई भी काम हो आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट आपको पता ही है, हमारा जो नसें होती है उसको लचीला बनाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ी से बढ़ा देती है, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें है, और एंटी एजिंग होने के कारण हमारा जो एज बढ़ता है, दिखता है, उसको रोकने का काम करता है, और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस को कम कर देता है। दोस्तों ये लैब प्योरीफाई टेस्टेड है, ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नो डाउट। अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़। सबसे पहले एक गिलास में 100 ml पानी या फिर मिल्क ले सकते हैं लूकवॉर्म,
थोड़ा गरम, गुनगुना गरम। इसके बाद एक चम्मच डाल दीजिए। इसमें एक चम्मच भी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चम्मच दोस्तों बहुत प्यारा है, उसके मदद से आपको डालना है। इसके बाद डिजॉल्व कर लेनी है अच्छे से, इसके बाद आप पी सकते हो। और अच्छा बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको दो बार लेना पड़ेगा, सुबह और शाम को। दोस्तों इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं था, फिर मिलते हैं अगले एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।